हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए बच्चों एक क्वेश्चन और आया है। वीडियो को स्टॉप कीजिए और इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए कि इसको कैसे करना है। बच्चों इसका नाम रख देते हैं PQRS। ठीक है, ये जो रेड पेन से शेड है इसका नाम दिया बच्चों कैपिटल ए और इसका नाम दिया बच्चों बी। अब आपने बच्चों डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है। बच्चों ए और बी के बीच में जो डिफरेंस है उसको निकालना है। अब आप सोचने की कोशिश करो कि इसको कैसे निकाला जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। ये देखो बच्चों एक सेमी सर्कल बना हुआ है, ये क्वाड्रेंट है, ये भी क्या बच्चों क्वाड्रेंट है। अब हमें निकालना है बच्चों और इक्वेशन के थ्रू ही निकलेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, वो आपका 28 का स्क्वायर होगा। तो 28 का स्क्वायर भी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे निकाल सकते हैं कैसे नहीं। तो अब क्या करें बच्चों ये बताओ। ठीक है, अब इधर देखो बच्चों, यदि इस स्क्वायर में से ये वाला क्वाड्रेंट मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, ये बात बताओ। ठीक है, हाँ जी, इधर देखो, रिक्टेंगल में से, रिक्टेंगल नहीं है ये बच्चों स्क्वायर है, तो स्क्वायर में से एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्वाड्रेंट का एरिया जो है मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ये वाला क्वाड्रेंट बेटा, ये जो पी आर क्यू पी है, पी आर क्यू पी वाला क्वाड्रेंट जो है उसका एरिया मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो पी आर क्यू और ये पी और साथ में कर दिया ना, पी आर क्यू पी, ये पता चल जाएगा आपको पी आर क्यू पी। ठीक है, तो अब ये बताओ बच्चों, ये जो इधर मैंने पोर्शन लिखा हुआ है तो इसका नाम कर देता हूं बच्चों मैं एक्स। तो ये एक्स प्लस बी का एरिया आ जाएगा या नहीं आ जाएगा मेरे पास, बात बताओ बच्चों। और स्क्वायर का एरिया क्या बच्चों, 28 × 28, और क्वाड्रेंट का एरिया आपको मालूम है कि 1/4 होता है और पाई, और आर क्या होगा यहां पर 28 ही होगा बच्चों, 28 होगा। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, जो आर होगा वो क्या होगा 28, बात समझ आई बच्चों? तो अब 28 का स्क्वायर −1/4 × 22/7 × 28 × 28, ये अंदर भी चला गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व कीजिए फटाफट। 28 कॉमन ले लिया, 28 −1/4 × 22/7 × 28, तो ये कट गया, तो ये 4 से 4 चला गया, तो एरिया आ गया 28 × 6, तो ये 48, ये 168 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 168, ये एरिया हमारे पास कितना आ चुका, 168। अब इसी तरह बच्चों यदि मैं इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये वाला एरिया आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, ये भी क्या होगा बच्चों एक्स प्लस बी हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों एक्स प्लस बी, ये वाला एरिया भी आ जाएगा, बात समझ आ रही है, क्या आ जाएगा एक्स प्लस बी। अब बच्चों क्या करें कि हमारे पास इस सेमी सर्कल में से ये वाला एरिया मुझे निकालना है और ए और बी का क्या करना है बच्चों, डिफरेंस करना है, ए और बी का क्या करना है डिफरेंस। तो अब बताओ बेटा इसको कैसे निकाला जाए, कैसे किया जाए, कैसे कर सकते हैं। पी क्यू एस, PQS में से किसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सेमी सर्कल का, तो x प्लस a का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेंट में से बच्चों बिल्कुल ठीक बता रहे हो, क्वाड्रेंट में से यदि मैं सेमी सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास एरिया आ जाएगा a प्लस x का, कौन सा आ जाएगा a प्लस x का। तो a प्लस x जो है बच्चों मेरे पास आ गया, और क्वाड्रेंट का एरिया क्या है बच्चों 1/4 × π × 28 का स्क्वायर, और सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर, हाफ पाई आर स्क्वायर, और आर क्या बच्चों यहां पर 14, आर क्या यहां पर 14, 14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई बाहर आ गया एक तो हमारे पास, ठीक है, और इधर आप 28 × 28 लिख सकते हो, बाई 4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इधर हाफ इंटू 14, रेडियस 14, क्लियर है। तो ये बच्चों कट गया, तो ये 7 आ गया, और ये भी इससे कट गया, तो ये भी कितना आ गया 7 आ गया। तो ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब 14 × 7 और कॉमन ले लिया हमने, ये 22/7, तो ये हमारा 14 कॉमन आ गया, तो इधर कितना आ गया बच्चों 2 आ गया, और इधर कितना आ गया है 1, 7 से 7 चला गया, तो 8 308 एरिया आ गया, कितना आ गया बच्चों 308। तो इट इज द सिंपल एलजेब्रा है, अरिथमेटिक है, जिसको आपने सॉल्व करना है और हल करना है। तो अब बच्चों हमारे पास x प्लस बी भी आ चुका है, a प्लस x भी आ चुका है,
तो अब a प्लस एक्स में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दें बच्चों, a प्लस एक्स में से, इसको दूसरे पेन से कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, a प्लस एक्स में से किसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें बच्चों, माइनस एक्स प्लस बी का, ठीक है। तो a प्लस एक्स का एरिया जो आया वो कितना आया, 308, और x प्लस बी का जो एरिया आया वो कितना आया, 168। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x से x चला गया, तो a माइनस बी जो है वो हमारे पास आ गया 308 इंटू 168, ये 0 आ गया, 10 में से 6 गया 4, और तो 140 आपका आंसर आ गया। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन करने के बाद आपने रुकना है हमेशा और उस क्वेश्चन के बारे में सोचना है। अब इसको एक बार फिर दोबारा QBS के पैटर्न पे हम क्विज बेस्ड स्टडी के बैलेंस पे इसको अब हम देखते हैं। बच्चों एक स्क्वायर दिया हुआ था आपको जिसका साइड कितनी थी बच्चों, 28, जिसके अंदर दो क्वाड्रेंट बने हुए थे, एक पी को कंपास रख के और एक क्यू पे कंपास रख के, और इसके बाद एक सेमी सर्कल बना हुआ था। तो सेमी सर्कल के अंदर ए और बी जो था उनके एरिया का डिफरेंस निकालना था। तो इस क्वाड्रेंट का एरिया, पी एस क्यू क्वाड्रेंट का एरिया हमने क्या किया बच्चों, इस रेक्टेंगल में से सब्ट्रैक्ट कर दिया आर पी क्यू का, तो हमारे पास एक्स प्लस बी आ गया, ठीक है। तो क्वाड्रेंट का एरिया आपको स्क्वायर का एरिया मालूम है, साइड इंटू साइड का स्क्वायर होता है, और क्वाड्रेंट जो होता है हाफ, ये 1/4 होता है एरिया ऑफ सर्कल का। तो पाई आर क्या है बच्चों, 28 है, और वो क्या है 1/4। उसके बाद 28 हमने कॉमन ले लिया, ये 28 आ गया, ये -1/4, ये 22/7, ये आपका 28 आ गया, और उसके बाद ये कट गया और ये 1/6 आ रहा था, और इधर से आपका ये कैंसिल हो गया था तो 6 आ गया, तो 168 आ गया। अब इधर देखो बच्चों, अब ये हमारा क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में से सेमी सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या जाएगा, एक्स प्लस ए। तो अब क्वाड्रेंट का एरिया आपको मालूम है हाफ पाई 28 का स्क्वायर, ये होता है हाफ पाई इंटू 14 का स्क्वायर। उसके बाद हमने पाई कॉमन नजर आ रहा था, पाई कॉमन ले लिया, 28 इंटू 28 और 4 भी वहीं रहने दिया, 14 इंटू 14 इंटू 2 वहीं रहने दिया। तो उसके बाद हमारे पास ये 14 इंटू 7 कॉमन आ रहा था, इधर 2 बच गया, इधर 1 बच गया, और उसके बाद इसको हमने सॉल्व किया तो 308 आ गया। अब सिंपल सी कैलकुलेशन है, ए प्लस एक्स में से मैंने एक्स प्लस बी का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, और यहां पर भी आपको समझ आ रहा है कि ये 308 ज्यादा आया है, ये 168 कम आया है, उसमें से इसको कम किया तो एक एरिया कितना आ गया बच्चों, 140। तो इस तरह आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन आपका इजीली और बहुत फटाफट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।